अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शलजम बना रही हूँ। शलजम बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, शलजम 1 kg, इसे इस तरह बारीक बारीक काट लेना है। ग्रीन ऑनियन तकरीबन 1 कप, इसे चॉप कर लें। टमाटर 2 अदद, इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। हरा धनिया 1/2 कटी, इसे बारीक बारीक काट लेना है। ग्रीन चिल्ली 3 से 4 अदद। ऑयल 125 ml यानी 1/2 कप, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। पानी चाहिए 1 कप। नमक हसबे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून, और ये 1 चिकन क्यूब ये भी इस्तेमाल करेंगे। इसमें धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/3 टीस्पून। पहले फ्लेम पर एक पैन रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम होने पर इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। हल्का सा प्याज फ्राई होने के बाद इसमें लहसुन अदरक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल देना है और इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है बस। लहसुन अदरक और प्याज को थोड़ा सा पकने के बाद इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है और इसे भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। चिकन क्यूब डाल देंगे, इसलिए नमक आप बहुत ध्यान से डालिएगा। कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और इन सारे मसालों को इसमें अच्छी तरह पकने देना है। थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद इसमें 2 चम्मच दही ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह भून लेना है ताकि दही का जो पानी होगा वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह भून जाए। मसाला भूनने के बाद अब इसमें शलजम ऐड कर देने हैं। और इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देना है। शलजम को 2 से 3 मिनट तक इसी मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और भून लेना थोड़ा सा। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब इसमें 1 कप पानी ऐड कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है, इसको मिक्स कर लेना। मिक्स करके कवर कर देना है। फ्लेम को इस तरह आहिस्ता कर देना है और तकरीबन इसे
35 मिनट्स तक पकने देंगे ताकि बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह से शलजम गल जाए। तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पकाए, शलजम गल चुके हैं। अब थोड़ा सा मीडियम करना है फ्लेम को ताकि ये जो थोड़ा सा पानी रह गया खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। हरी मिर्चें और हरा धनिया, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद कर देना और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट कर लेते हैं। 5 मिनट्स के बाद अब इसे डिश आउट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस शलजम तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।